नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों ये क्लास 9th का साइंस में चैप्टर 10 का ये अभ्यास प्रश्न है, क्वेश्चन है। इसको जो है इसी के बारे में चर्चा करनी है दोस्तों। तो अभ्यास का प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 1 है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल जो होता है F बराबर जी एम एम अपन आर स्क्वायर, यानी कि उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू अगर जो रखा जाए तो दूरी को आधा कर दिया जाए, आप देख सकते हैं कि आर को जो है R/2 कर दिया जाए। तो यहाँ पे इस वैल्यू को अगर जो रख दिया जाए तो आप देख सकते हैं R1 स्क्वायर, यानी कि आप देख सकते हैं फोर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो F1 जो है वो 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। यानी कि अतः दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वा बल जो है 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। फिर एक भारी वस्तु जो है हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। तो दोस्तों स्वतंत्र रूप में से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु का त्वरण, आप जानते हैं कि त्वरण जो होता है, तो दोस्तों त्वरण जो होता है आपका, त्वरण का फार्मूला ये है, यानी कि जी बराबर जो होता है जी एम अपन आर स्क्वायर। तो जहां जी बराबर सातवीं स्थिरांक है, यम पृथ्वी का भार है, द्रव्यमान है, आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। इस प्रकार स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि यानी कि जो द्रव्यमान, यानी कि इस प्रकार स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का जो त्वरण होता है, त्वरण आप देख सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः भारी तथा हल्की वस्तु दोनों साथ साथ गिरती है। इसका रीजन यही होता है कि उसके उस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 kg की वस्तु की बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, त्रिज्या इतना दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी का जो उसकी सतह पर रखी गई वस्तु के बीच जो गुरुत्वीय बल होता है, ये गुरुत्वीय बल जो है F बराबर जी, ये इसका फार्मूला ये होता है। और यहाँ पे जो वैल्यू जी का इतना वैल्यू दिया हुआ है, द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, और पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, और रेडियस जो है इतना है। तो दोस्तों कैलकुलेशन करने पर जो है 9.8 न्यूटन जो है ये निकलता है हमारा। आप देख सकते इतना फोर्स जो है लगाता है ये, इसके जो है इसी इसी वैल्यू को जो है हम रखते हैं। अतः पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी 1 kg की वस्तु की गुरुत्वीय बल का प्रमाण इतना है। तो दोस्तों जो भी ये गुरुत्वीय त्वरण जो निकाला गया है दोस्तों, 1 किलो के ही भार के बराबर जो है वो निकाला गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं, तो क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है। तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को बराबर गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले बल दोनों पिंडों के लिए समान होता है। ऐसा नहीं है कोई अलग से खींचता कोई अलग से खींचता है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी की ओर गति क्यों नहीं करता। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं आकर्षित करता। तो उत्तर है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में बहुत अधिक है, होने के कारण त्वरण क्या होता है नगण्य हो जाता है, अतः पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करता। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, वस्तुओं के बीच की दूरी अथवा 3 गुनी कर दिया जाए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, इस स्थिति में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है दोस्तों, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे जो है वैल्यू रखा गया है, जी का वैल्यू ये है, एम का वैल्यू ये है, कैपिटल एम का वैल्यू, आर का वैल्यू इतना है दोस्तों। उसके बाद जो है इसका वैल्यू रखते हैं, यदि यदि एक वस्तु द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए दोस्तों, यानी कि एम की जगह पे 2m रख दिया जाए, तो हमारा नया F जो आएगा दो, यानी कि दोगुना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। अतः दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल
हो जाएगा, दुगना हो जाएगा दोस्तों। यदि वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच आर जो है आर टू आर कर देने पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बल जो है उसका एक चौथाई रह जाता है, अर्थात दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक चौथाई रह जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच दूरी 3 गुनी कर दिया जाए दोस्तों तो इस प्रकार से जो है करने पर हमारा 9 यानी कि 9 गुना हो जाता है, यानी कम हो जाता है, अर्थात दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 1/9 गुना ही रह जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, ये दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए, यानी कि इसको दुगुना कर दिया जाए, इसको दुगुना कर दिया जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 गुना बढ़ जा रहा है दोस्तों उसका नया जो है फोर्स, लगने वाला फोर्स। प्रश्न नंबर 7 है, गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम के क्या महत्व है? गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम के क्या महत्व है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम के निम्नलिखित महत्व है। इस नियम की सहायता से हम विभिन्न आकाशीय पिंडों जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम से हम आकाशीय पिंडों की गति तथा उनकी कक्षाओं की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम से हमें समुद्र में ज्वार भाटा को समझने में सहायता होती है दोस्तों। प्रश्न जो है दोस्तों 8 है, मुक्त पतन का त्वरण क्या होता है? तो मुक्त पतन का त्वरण, मुक्त पतन का त्वरण वह त्वरण होता है जो पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने वाले किसी भी वस्तु पर लगता है। यह त्वरण जो है पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न होता है। इसे जी से व्यक्त किया जाता है दोस्तों। इसका वैल्यू जो है इतना होता है। उसके बाद दसवां प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुव पर कुछ ग्राम सोना रख देता है। वह सोने को विश्वत पर अपने मित्र को देता है, क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भाव से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्या संकेत? दोस्तों उसका मित्र खरीदे हुए सोने से के भाव से संतुष्ट नहीं होगा, अतः अब सोने का भार पहले से कम है। किसी वस्तु का भार जो है जी के पर निर्भर करता है, यहाँ पे इस फार्मूले पर निर्भर करता है दोस्तों। जहां आर ये जो है विश्वत जो होते हैं, यहाँ पे जो है जी का वैल्यू ज्यादा होता है। जहां आर की त्रिज्या है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या आर, विषुवत रेखा की त्रिज्या आर से कम है। इसके फलस्वरूप ध्रुवों पर जी का मान क्या है? अधिक होता है। इसलिए ध्रुवों पर दोस्तों जी का मान अधिक होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान कम है, अर्थात विषुवत रेखा पर सोने का भार ध्रुवों पर सोने के भार से कम होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, एक कागज की सीट उसी प्रकार सीट को मरोड़ कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है? तो उत्तर है, ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तुओं पर हवा घर्षण बल लगाती है। कागज का क्षेत्रफल गेंद के क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला जो है हवा का घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए वह दोस्तों धीरे धीरे गिरता है। 12वां है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा? दोस्तों वस्तु का भार इतना दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह पर त्वरण इतना आया था, पृथ्वी का वस्तु का भार जो होगा दोस्तों इतना mg होगा, न्यूटन 98 न्यूटन होगा। चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय भार 1/6 गुना होता है दोस्तों, तो उसका हम 1/6 गुना कर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जो है 49 मीटर/सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए कि अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है और पृथ्वी की सतह वापस लौटने में किया गया कुछ समय। तो दोस्तों गेंद का प्रारंभिक वेग जो है इतना है, उसके बाद अधिकतम ऊंचाई जो है पर गेंद जो है रुक जाती है, अंतिम वेग हम इसको 0 मान सकते हैं। त्वरण जो है इतना दिया हुआ है, माना कि अधिकतम यह ऊंचाई पर जाता है। गति के तीसरे समीकरण से हम इसको वैल्यू निकाल लेंगे तो 122.5 मीटर आएगा दोस्तों। अब माना ऊंचाई निकालने के लिए, माना अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय जो है टी है दोस्तों, तो ये समय की हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे समय जो है हमारा 5 सेकंड आया। अब वस्तु को ऊपर तथा वापस लौटने में बराबर समय लगता है, अतः वापस आने में दोस्तों 10 सेकंड लगेगा दोस्तों समय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने पहले अंतिम वेग क्या कीजिए दोस्तों? यानी कि इतना ऊंची मीनार है, चोटी से पत्थर फेंका जाता है, तो प्रारंभिक वेग दोस्तों यहाँ पे 0 मान सकते हैं। वहां से फेंका जा रहा है, ऊंचाई इतना है, त्वरण इतना है दोस्तों। माना पृथ्वी पर पहुंचने पर अंतिम वेग बी हो जाता है, तो गति के तीसरे नियम से जो है इसको हम निकाल 19.6 मीटर इसका आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर जो है 40 मीटर/सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। जी इतना दिया हुआ, लेते हुए पत्थर द्वारा
पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो पत्थर का प्रारंभिक दोस्तों ये 40 मीटर पर सेकंड है, अधिकतम ऊंचाई पर पत्थर रुक जाता है, अधिकतम तो वहां भी जो है 0 हो जाता है। त्वरण इतना दिया हुआ है, मानव ऊंचाई इतना है, गति के तीसरे नियम से दोस्तों इतना मीटर आ जाएगा ऊंचाई, अतः पत्थर अधिकतम 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, पत्थर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पे आ जाता है, अतः नेट विस्थापन क्या होता है, 0। नेट विस्थापन तो 0 हो गया, लेकिन पत्थर 80 मीटर की ऊंचाई तक जाता है तथा लौटकर 80 मीटर आता है, अतः पत्थर द्वारा कुल जो है चली गई दूरी जो है 160 मीटर होता है। दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान इतना दिया है दोस्तों, सूर्य का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, और जो है उनके बीच की दूरी इतना दिया है। तो यहां से दोस्तों हम जो है उनके बीच जो है बल का परिकलन हम इसी से क्या कर लेंगे दोस्तों, इसका कैलकुलेशन करने पर इतना आता है। दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है, उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड गिराया जाता है, वेग से उधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे दोस्तों, कब और कहाँ मिलेंगे दोस्तों। तो पहले पत्थर का प्रारंभिक वेग इतना है, त्वरण इतना है, पहले दूसरे पत्थर का प्रारंभिक वेग इतना है, त्वरण इतना है, निगेटिव है, माना दोनों पत्थर 30 समय बाद यह ऊंचाई पर मिलेंगे मान लेते हैं, तो दूसरे पत्थर द्वारा तय की गई दूरी जो है यह मीटर है। दूसरे पत्थर के लिए गति के दूसरे नियम से जो है यहाँ पे हम निकाल लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से जो है हमारा आ जाएगा फार्मूले से इतना हम निकाल लेंगे, पहले पत्थर द्वारा तय की गई दूरी इतना है। अब पहले पत्थर के लिए गति के दूसरे समीकरण से यहाँ पे क्या निकालेंगे दोस्तों, इसके फार्मूले निकालेंगे, समीकरण एक दो को जोड़ने पर जो है यहाँ पे t = 4 सेकंड आ जाता है दोस्तों, t = 4 सेकंड आ जाता है, अतः जो है यच यहाँ पे 20 मीटर आ गया, अतः दोनों पत्थर 4 सेकंड के बाद 20 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलेंगे दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट जाती है, ज्ञात कीजिए कि यदि यह किस वेग से ऊपर गई, गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई तथा 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगी दोस्तों। कुल लिया गया समय इतना है, गेंद द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय जो है वहां से फेंकने वाले पास लौटने के समय जो है 3 सेकंड ये निकालना है, ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर माना गेंद का प्रारंभिक वेग इतना है, अधिकतम ऊंचाई इतना है, त्वरण इतना दिया हुआ है, उसके बाद जो है समय 3 सेकंड है, तो गति के नियम से दोस्तों ये इतना मीटर पर सेकंड के वेग से आएगा। बी जो है अधिकतम ऊंचाई एच मीटर है मान लीजिए, तो गति के दूसरे समीकरण से जो है 45 मीटर ये आ जाएगा हमारा ऊंचाई दोस्तों। सी 3 सेकंड पश्चात गेंद अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगी और फिर अगले 11 1 सेकंड में नीचे की ओर गति करेगी, गति के दूसरे नियम से दोस्तों यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 5 मीटर आता है, और 4 सेकंड 50 गेंद की ऊंचाई क्या होगी, 40 मीटर होगी दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी द्रव में डूबी गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है, किसी द्रव में डूबी गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है, तो दोस्तों उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में लगता है, किसी द्रव में डूबाई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल क्या होता है, ऊपर की ओर कार्य करता है। पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर या पानी की सतह पर क्यों आ जाता है, प्लास्टिक के गुटके पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है ऊपर की ओर उसके भार से अधिक होता है, अतः जैसे ही पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ते हैं या पानी के सतह पर आ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन इतना 20 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि पानी का घनत्व तो इतना है तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा दोस्तों, तो पदार्थ का द्रव्यमान इतना है और जो है आयतन इतना है, तो पदार्थ का जो घनत्व निकालते हैं तो 2.5 मीटर पर सेकंड क्यूब आता है, और पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व 2.5 आता है दोस्तों, पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व 1 से अधिक है, अतः पदार्थ पानी में डूब जाएगा दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है, 500 ग्राम के एक मुहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर है क्यूब है, पैकेट 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा, इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान क्या होगा, पैकेट का द्रव्यमान दोस्तों इतना दिया हुआ है, पैकेट का आयतन इतना दिया हुआ है, पैकेट का घनत्व हम क्या निकाले, पैकेट का द्रव्यमान बटे पैकेट का आयतन, ये हमारा घनत्व निकल गया और सापेक्षिक घनत्व इतना आ गया दोस्तों, पैकेट का सापेक्षिक घनत्व 1 से अधिक है अतः पानी में डूब जाएगी, यानी कि पैकेट का सापेक्षिक घनत्व 1 से अधिक है, यानी कि पानी का जो घनत्व से उससे हम तुलना करते हैं तो ये डूब जाएगा, कोई ठोस वस्तु डूबने पर अपने आयतन के बराबर जो है पानी विस्थापित करता है, अतः विस्थापित पानी का आयतन इतना होगा, विस्थापित पानी का द्रव्यमान विस्थापित पानी का आयतन गुणे पानी का घनत्व,
इतना जो है ग्राम होगा दोस्तों। अतः इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान 350 ग्राम होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगले चैप्टर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।